हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड म्यूजिक के चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर बहुत से लोगों को काफ़ी टफ भी लगता है, बट लेकिन मेरे जो समझाने का तरीका है उस मेथड से आप उसे इजीली समझ पाएंगे और अच्छा स्टैंड कर पाएंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल्स को। तो आप वैसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का तरीका, और साथ ही इस तरीके में मैं आपको बताऊंगा वाइवा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फाइल में लिखने का तरीका, थ्योरेटिकल क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे उसका सर्किट हम जो नॉर्मल सर्किट है, नॉर्मल सर्किट से हम जो एक्सपेरिमेंटल बोर्ड रहेगा उसको हम कैसे ऐड करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन सोर्स ऑफ एरर्स होंगे, क्या कैलकुलेशंस होंगी, क्या रिजल्ट निकलेगा उसका, तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये सब जो मैं आपको फाइल में बता रहा हूँ ये सब आपको तभी समझ आएगा जब आप इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो कुछ भी सीखे चैनल पर प्रैक्टिकल इसके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, और काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल्स अपलोड भी हो चुके हैं, तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये अपलोड हो चुका है, आप जाइए वहाँ पर जाके देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। मैंने आपको जो पहला वीडियो बनाया है आपका पीएनटी का, उसमें मैंने बताया है कि इसमें मैंने एक कन्फ्यूजन की वजह से मैंने क्या किया है एनपी और पीएनपी, क्योंकि इनके रिजल्ट ग्राफ काफ़ी कुछ सेम ही आता है, तो मैंने सोचा ये दोनों एक ही प्रैक्टिकल्स हैं, तो इन दोनों प्रैक्टिकल्स को मैंने एक ही साथ कर दिया है, ठीक है। बट लेकिन एनपीएन और पीएनपी दोनों अलग प्रैक्टिकल है, ठीक। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनपीएन के बारे में, तो सिर्फ आप हम इस पर ही फोकस करेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, टू स्टडी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन। एनपीएन आपका, पीएनपी आपका बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक बात। टू स्टडी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक। एपरेटस में आपका क्या चाहिए, एपरेटस में आपको एक एक्सपेरिमेंटल बोर्ड चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स और सोर्स ऑफ वोल्टेज चाहिए, ठीक बात। आगे चलते हैं, आगे जो इसका आता है फॉर्मूला यूज जो मतलब बिल्कुल सेम ही है, मैं आपको बताऊंगा जो आपका जो है पीएनपी है, ठीक है, और जो एनपीएन है, दोनों में फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, लिखने का तरीका भी सेम है, ग्राफ भी ऑलमोस्ट सेम आते हैं, कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट नॉर्मली तौर पर अगर देखें तो आप देखेंगे तो कैलकुलेशन सबकी एक ही जैसे है, एक ही जैसा ग्राफ, एक ही जैसा कैलकुलेशन है, ठीक है। थोड़ा बहुत आई भी ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप दोनों सेम भी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एरिया आपको डिफाइन करना होता है खुद ही, जैसे डेल्टा वी वी का आप देख रहे हैं, तो देखेंगे हम बाद में, पहले हम जानते हैं फॉर्मूला यूज में क्या है। तो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट में हमें क्या फर्क करना है, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस जिसमें डेल्टा वी वी चाहिए, यानी इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेल्टा वी वी चाहिए, आई वी चाहिए, वी सी आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक बात। आगे चलते हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं, द आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर नॉट एंड एंड डी सी, ठीक बात। करेंट गेन बीटा डी सी आर कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फॉलोइंग रिलेशंस एंड फिगर थ्री, ठीक बात। इसमें हम आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हमें डेल्टा वी सी और आई सी चाहिए, आई वी जिसमें आई वी कॉन्स्टेंट पर, देखेंगे कैसे आएगा, ठीक बात। और उसके बाद आपका आता है डी सी करेंट गेन, डी सी करेंट गेन बीटा डी सी इज इक्वल टू आता है आई सी मैक्सिमम, ठीक है, आई सी मैक्सिमम। तो आपका ये इस तरीके से बीटा डी सी कैलकुलेट करने के लिए हमें आई सी मैक्सिमम और आई वी चाहिए, ठीक बात। टू कैलकुलेट ए सी करेंट गेन बीटा ए सी, मतलब बीटा ए सी आपका क्या है, करेंट गेन जिसमें डेल्टा आई सी रहेगा और डेल्टा आई वी रहेगा, ठीक बात। आगे चलते हैं, ये पूरा देखेंगे कैसे आएगा, और इसको मैंने एक एक चीज़ वैसे पी एन पी में बता दी है, आप अगर पी एन पी को देख लेते हैं तो एन पी एन भी आपको इजली समझ आ जाएगा, ठीक बात। तो आपका जो एन पी एन है, एन पी एन में मैंने बताया था, वहाँ पर भी समझाया था पी एन पी में आपको कि अगर जो है ये इंसान, अगर ये जो तीर का निशान देख रहे हैं, करंट की जो डायरेक्शन है इसमें आप इस तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती तो आपको क्या होता है, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक बात। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, तो हम ऐसा एन पी एन के बारे में बात करें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो इसी तरीके से होगा, यहाँ इसे ई का मतलब है आपका एमीटर, बी का मतलब है आपका बेस, सी का मतलब है आपका कलेक्टर, ठीक बात, समझ आ रही है। तो ये एनपीएन है, और एनपीएन में आपका बी पी जो है आपका बेस होता है, और इसमें जो आपका आई बी बेस करंट होता है वो पी की ओर होता है, आई सी जो है इधर, आई सी की डायरेक्शन इधर होती है और आई ई की डायरेक्शन इधर होती है, मतलब ठीक है उसका उल्टा ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें आई बी के आप पी एन पी में देखेंगे आई बी डायरेक्शन जो है इधर की ओर थी,
ठीक है, आईसी की डायरेक्शन साइन इधर की ओर थी शायद, आप देखिए आई एक बार आप देख लीजिए उस प्रैक्टिकल को, पता लग जाएगा। और आई की डायरेक्शन तो मुझे पता है ऊपर की ओर थी, बट लेकिन ये एनपीएन है तो इसमें डायरेक्शन नीचे की ओर है, वी सी आपका और वहाँ पे वी बी। ठीक बात, आगे चलते हैं। जब का है बाइजिंग, मतलब जब हम एनपीएन का या पीएनपी का बाइजिंग करते हैं तो उस समय इसका सर्किट कैसा होता है, ये आपका सर्किट है। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे जो है इसका मेन सर्किट आता है, इसका जो मेन सर्किट आता है, मेन सर्किट में आपका ये है कि आपको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वेरिएबल, ठीक है ना, इसी वेरिएबल में आप क्या देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सोर्स ऑफ वोल्टेज है, जहाँ से हम उसे अपने जो एक्सपेरिमेंटल बोर्ड है उसे हम करंट देने हैं जिससे वो चल रहा है जब वो सर्किट हम ओपन करते हैं। मतलब कि सोर्स तो आपको मिलना चाहिए ना जब आप सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो एक बैटरी तो चाहिए, तो वो जो आप एक बैटरी के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। ठीक बात, आगे अगर हम बात करते हैं, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग रखा है आपका, और यहाँ पर आई बी आपका बेस करंट है, और वी बी आपका ये क्या है, आपका बेस एमीटर वोल्टेज है। अब मैं आपको बताऊँ कि जो बेस एमीटर वोल्टेज ये क्यों है, क्योंकि ये जो है ये आपका बेस है और ये है एमीटर, और ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं ये बेस और एमीटर के बीच में लगी है, इसलिए ये वोल्टेज का नाम क्या होगा, इस वोल्टेज का नाम बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक बात, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे VCE, VCE आपका कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है। अब मैं इसको बताऊं, आप खुद भी बता सकते हैं VCE इसका नाम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज क्यों है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये VCE कलेक्टर और एमिटर के बीच लगी हुई है, इसलिए इसका नाम हो गया कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। देन आगे हम आते हैं, आगे इसका यहाँ पर है हमारे पास IC, ठीक ना, IC आपका आता है कलेक्टर करंट, ये आपका कलेक्टर करंट है, और ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये फिर से आपका वेरिएबल हो गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ आपका प्लस का साइन है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लस माइनस है कैसे आएगा, ये जो प्लस माइनस जो हम इसमें जो दिखाते हैं ना, ये चीज़ हमें किसमें मदद करते हैं, ये चीज़ हमें मदद करते हैं सर्किट को बनाने में, क्योंकि सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना होता है। तो जैसे ये वाला पोर्शन बढ़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो आई वी का ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला ऑटोमेटिक निगेटिव। ठीक बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये वाला पोर्शन निगेटिव होगा, तो जैसे ये निगेटिव आ रहा है तो ये वी वी का ये वाला पोर्शन हो जाएगा निगेटिव, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक बात, आगे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस बैटरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, और इस बैटरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग आईसी का ये वाला पोर्शन आएगा पॉजिटिव, और ऐसे ही वीसी का ये वाला पोर्शन आएगा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, और ये जब पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ आईबी आईसी और वीसी वीबी, तो इसमें ये क्या है कि ये जो इनमें जो साइन लग रहे हैं वो डायरेक्ट आपका जो वोल्टेज ऑफ सोर्स है, वोल्टेज ऑफ सोर्स का आप कौन सा पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, रेड वाले को जो रेड वायर्स होती है उसको हम नॉर्मली पॉजिटिव मानते हैं, और जो ब्लैक वाली होती है उसको निगेटिव मानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब लिखना होता है। तो इसलिए आपको ये जो साइन है ना यहाँ पे मेजर करने की जरूरत है, ताकि आपको सर्किट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक बात, आगे चलते हैं, आगे ये आपका सर्किट क्या है एनपीएन के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसकी आपका उसका सर्किट है। ठीक बात, अब हम देखते हैं आपका, ये तो मेन हो गया सर्किट, आपने समझ लिया लिखने का तरीका स्टार्टिंग में क्या है। ठीक, अब सर्किट के बाद आपका क्या आता है, अब फॉर्मूला यूज तो आपका हो गया मेन ऑब्जेक्ट, देन ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, देन उसके बाद आपका आ गया फॉर्मूला यूज, फॉर्मूला यूज के बाद आपकी आती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक बात, एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको क्या करना है वीबी वर्सेस आईबी, यानी कि ठीक उसी की तरह है पीएनबी की तरह ही है, बेस एमिटर वोल्टेज और आईबी बेस करंट के बीच आपको ग्राफ खींचना है, जब वीसी कांस्टेंट रहेगा एट अ पर्टिकुलर वैल्यू तो आपको वही करना है, जब वीसी आपका 1 वोल्ट पर रहेगा तब वीबी और आईबी के बीच क्या ग्राफ होगा, वीबी को आपने 0.1 बढ़ाया तो आईबी कितना बढ़ा, वीबी को आपने 0.2 बढ़ाया तो आईबी कितना बढ़ा, वीबी को आपने 0.3 बढ़ाया तो आईबी कितना बढ़ा, 0.4 बढ़ाया तो आपका आईबी कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ाया तो आईबी कितना बढ़ा, तो इस तरीके से आपको जैसे ये आपने किया है वीसी को 1 वोल्ट पे किया और उसके बाद वीबी और आईबी के बीच ग्राफ खींचा कि 0.1 पे कितना है, 0.2 पे कितना है, उसी तरीके से आपको क्या करना है कि VCE को आपको अब क्या करना है 2 वोल्ट पे फिक्स कर देना है, और जैसे आप फिक्स करेंगे तो उसके लिए आप फिर से करेंगे कि VB आपका स्टार्टिंग में कितना है 0.1 पे, IB कितना आएगा, जब VCE इज इक्वल टू 2 वोल्ट है ना तो उस समय आप 6 रीडिंग लेंगे VBA की, और उसके इन 6 रीडिंग के आप अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि IB में कितना आ रहा है, जैसे 0.1 पे कितना चेंज हुआ, 0.2 पे कितना आईबी चेंज हुआ, 0.3 पे कितना चेंज हुआ, 0.4 पे कितना आईबी चेंज हुआ, तो इस तरीके से ऐसे ही आपको वीसी करना है और ऐसे ही आपको
सॉरी VCA जब 3 वोल्ट पर है ऐसे आपको ये वाला करना है, और जब VCA 4 वोल्ट पर रखेंगे तो उसी प्रोसेस को आपको ये करना है कि जब VCA 3 वोल्ट है तो आप VBE की इतनी सारी वैल्यू पर IB के क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे VCA जब 4 वोल्ट है तो आपका इसके थ्रू जो है कितने चेंजेस जो है आपके आ रहे हैं, ठीक। पेंसिल से यहाँ पे मैंने कर रखा है, पेंसिल से इसलिए किया जाता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर कुछ गलत होता है तो आप मिटा सकते हैं, ठीक है, और अगर सही है तो फिर तो सही है ही, ठीक है ना। पेंसिल से नहीं किया जाता क्योंकि फिर उसी चीज़ को आपको दोबारा करना होता है, बाई चांस आप टीचर्स के पास लेके गए हैं और टीचर्स ने क्या दिया कि ये गलत है, तो आपको पूरा प्रैक्टिकल दोबारा करना होगा। पेंसिल से ही रहेगा, आप मिटो के उसको दोबारा से कर सकते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जो मेरी रीडिंग्स हैं ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बट लेकिन मैं ये कहूँगा अगर कोई इमरजेंसी हो रही है जैसे कल ही प्रैक्टिकल है तो आप इस रीडिंग को नोट कर सकते हैं, बट लेकिन कहना यही चाहूँगा आपकी भलाई के लिए कि आप सभी इन प्रैक्टिकल्स को अपने आप कीजिए और इनकी रीडिंग्स को अपने आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हम देखेंगे इसका ग्राफ क्या रहेगा, ठीक है। यह है इसका ग्राफ, आई भी आपका 25 माइक्रोएम्पियर पॉइंट, ठीक बात है, जैसे आपका वहाँ पर था वही आपका यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये, आप यहाँ पे देखेंगे 0.1 पे आपका ये आपका VB है, कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज पे कितना करंट आ रहा है आपका, यहाँ पे आप इसे कर रहे हैं मित्र ये इसको मतलब कितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं आपका करंट भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, ये आपका होता जा रहा है इंक्रीज, ठीक बात, ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट और 3 वोल्ट 4 वोल्ट के लिए सभी पर रीडिंग एक ही जैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो इसलिए इसका एक ही ग्राफ बन गया, ठीक बात। VB आप इसके बीच में VB जो है आप इसके बीच में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस ले सकते हैं, VB का हो गया, और IB का डिफरेंस तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं, तो मतलब कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं। अगर आप VB का ये वाला डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है IB का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, VB का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक लिया है, या फिर यहाँ से यहाँ तक मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने IB का डिफरेंस यहीं से लेके ऊपर लास्ट तक जहाँ तक इसमें चेंजेस आ रहे हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं IB के बीच का डिफरेंस, ठीक है, उस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा आता है, आगे आपका आता है सेकंड टेबल में आपको क्या करना है, इसे छोड़ो, मम्मी नीचे घुसा रहे हैं तो आगे ना मारेंगी, थोड़ देंगी, इसे दोबारा बना लियो, इस वाली को होने तो मुझे नहीं जाना, दिमाग चाट रहे, तो अब जैसे NPN और PNP, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने जो है दोनों को एक ही साथ कर दिया था PNP और NPN, क्योंकि कुछ PNP और NPN का जो कॉम्बिनेशन है ऑलमोस्ट एक ही है, कैलकुलेशन प्रिकॉशन सोर्स ऑफ एरर्स ग्राफ और ग्राफ से कैलकुलेट करना, और दोनों की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम ही आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों एक ही होंगे। बट लेकिन टीचर्स हैं, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ साथ ही कर देते हैं और कुछ अलग अलग कर देते हैं NPN और PNP दोनों को अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें 10 प्रैक्टिकल कराने होते हैं, तो ऑलमोस्ट वो सब जो दो रहेंगे जो एक ही रहता है उसको दो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे NPN और PNP। तो आप यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस तो बता दिया है, ठीक है, आपने पूरा वीडियो में देख ही लिया है कि आपको अगर NPN करना है तो टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, आपको PNP नहीं लिखना है, NCE कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एपरेटस रिक्वायर्ड में आपको जो है क्या, ये सब आपका थ्योरेटिकल हो गया, और यहाँ पर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि जब अगर आप NPN के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप NPN के लिए बना रहे हैं तो आप इसको नहीं लिखेंगे, और इतना तो मैंने बता ही दिया। तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN, यहाँ नहीं लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, बाकी पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा, और यहाँ पर ये नहीं लिखना है और इसको ये नहीं करना है, और बाकी ये लिखेंगे ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी के आपका जो है मेन सर्किट आ जाता है आपका, यहाँ पर मेन सर्किट आपका ये है NPN का, और साथ में उसकी कैलकुलेशंस आपकी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से करने के बाद आप उसकी जो कैलकुलेशंस रहेगी उसका ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आप यहाँ बनाएंगे और उसकी NPN के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपका आता है रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है, लास्ट में आपको रिजल्ट करना है, और रिजल्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, आपको लिखना है यहाँ पर प्रिकॉशंस, जैसे ये नीचे देख रहे हैं प्रिकॉशंस आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। और इसको मैं बता दूं आपको, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये PNP के लिए हो गया, तो मैंने दोनों को सेम कर दिया था, मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ कैलकुलेशन करने के बाद आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, और रिजल्ट लिखने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे आप प्रिकॉशंस, ठीक है ना, राइट, आपको प्रिकॉशंस करने हैं यहाँ पर, ठीक बात, पूरी देर बाद समझ आएगा, ठीक है। और ये जो है PNP ट्रांजिस्टर का है, तो PNP के लिए आप अलग से देखेंगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और PNP के मैं भी उसमें बता रहा हूँ, ठीक है।